हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी हमें सिंगापुर में और आज इंडिया वापसी करने की पूरी तैयारी है। 6:45 पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरक्राफ्ट में हमारी बुकिंग है, आज उसी से वापसी करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, 8 दिन का टूर था जिसमें मैंने सिंगापुर मलेशिया को मस्त से कवर किया है। पहले आप लोग देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें इन्जॉय की हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से देख लो। बहुत ही कमाल की ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस था मलेशिया का भी। और सिंगापुर के टूर के वीडियोस देखना चाहते हो, सत्यम सर चैनल में डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने हर चीज़ को कवर किया हुआ है। बाकी अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वीगो ऐप को, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है। मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड करेंसीज़ में वीगो ऐप अवेलेबल है। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट फ्लाइट्स एंड होटल्स डील लेकर आता है आपके लिए। आप बड़ी आसान से यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह को सस्ते दामों में बुक कर सकते हो। अपनी पसंदीदा सिटी को चुनो और जिस कंट्री जा रहे हो वहाँ को चुनो, और साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। जब मैं आ रहा था सिंगापुर तो मेरे को सिंगापुर एयरलाइंस में ही आना था, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन दिखे थे, एयर इंडिया, स्कूट एयर, बतिक एयर, इंडिगो, बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने सिंगापुर एयरलाइन को चूज़ किया। उसके बाद उसको बुक करने के लिए भी मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, बहुत सारे ऑप्शन आए थे, जहाँ पे आपको सबसे सस्ते दाम में मिल रही है, जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है वहाँ से आप बुक कर सकते हो। साथ साथ आपको बता दूँ, होटल के लिए भी सेम चीज़ है। आप अपने होटल की जिस सिटी में रुकना चाहते हो, आप जिस सिटी में रुकना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, डेट वगैरह सेलेक्ट कर लो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे सस्ता, महंगे से महंगा, जो आपके बजट में, जो आपको पसंद हो, जो लोकेशन पसंद हो, उसे आप यहाँ पे देख लो, और उसके जो रेट्स वगैरह हैं आपको इंडियन करेंसी में दिखा देगा वीगो। और जिस वेबसाइट पे सबसे सस्ता आपको मिल रहा है वहाँ से आप बुक कर लो। मल्टीपल वेबसाइट्स वहाँ पे आपको शो करता है, जहाँ पे सबसे सस्ता लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वहाँ से आप होटल को बुक कर सकते हो। अब वीगो के और भी बहुत सारे नए फीचर हैं। इंडिया में तो अब IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग को लॉन्च कर ही दी है, इवेंट बुकिंग तो है ही। अब यहाँ से आप अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वीगो ने बहुत स्मूथ बना दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर ट्रैवलिंग शुरू करो तो भाई जल्दी जाओ, डाउनलोड कर लो, आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत पैसे भी बचेंगे आपके। तो चंगी एयरपोर्ट ना बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सामने आपको स्काई ट्रेन दिख रही होगी, तो जो कि T3 से T2 यानी T3 से T2 को कवर करती है। यहाँ पर देख लो सामने से जा रही है, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर और सुविधाएँ भी बहुत सारी हैं। मेन चीज़ें यहाँ का ज्वेल एंड यहाँ के स्काई ट्रेन। तो ये रहा सामने हमारा ज्वेल जिसे देखने लोग आते हैं। आपको आज की कहानी बताऊँ, मेरा ईयरफोन मैं रूम में भूल गया था मलेशिया में संदीप भाई के साथ ही, और मेरा जो माइक था वो ख़राब हो गया फ्लाइट से उतरने के बाद। तो आप सोचिए, अगर नॉर्मली आप किसी एयरपोर्ट में उतरे तो सभी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी ना, पर चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एप्पल का स्टोर है, तो आते ही पहला काम किया मैंने, ईयरफोन ख़रीदा और वो हमारे माइक का काम कर रहा है। और मुझे इससे अच्छा कोई माइक नहीं लगता, और सबसे ट्रस्टेबल माइक मुझे यही लगता है ईयरफोन्स, क्योंकि ना ख़राब होता है ना इसमें कोई दिक्कत आती है आवाज़ की। अब आप लोग बताना आपको आवाज़ कैसी लग रही है इसकी। अगर चंगी एयरपोर्ट आ रहे हो तो इन सब जगहों में जाना बिल्कुल मत भूलना। मैं कुछ चीज़ें, माइनर सी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आओगे 2-3 घंटे का टाइम रहेगा, या हो सकता है फ्लाइट्स उतरो, तो ये सभी चीज़ें आप घूम सकते हो, आपके एक्सेस में रहेगी। अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे काउंटर जहाँ पे मुझे मेरे सिंगापुर के जो ट्रैवल कार्ड्स हैं इनको रिटर्न करना है। इनसे $30 मिलने वाला है मेरे को ट्रैवलिंग पासेस से, ये MRT यानी यहाँ की मेट्रो और बसेस के लिए मिलता है ये कार्ड, और इसको आप जाने टाइम रिटर्न कर सकते हो, तब आपको $10 ईच कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे मोहित भाई, मेरा और भाभी तीनों का कार्ड है मेरे पास, उसे रिटर्न करना है आज। देखो टूरिस्ट पास का रिफंड काउंटर MRT में ही मिलेगा, तो उसके लिए मैं नीचे जा रहा हूँ अभी। ये रिफंड आपको या तो एयरपोर्ट में आके मिलेगा या तो किसी भी स्टेशन के कस्टमर सर्विस से मिलेगा। तो MRT इसलिए मैं आया हूँ, ये जो MRT है पूरे सिंगापुर को कनेक्ट करती है, तो कभी अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे आ सकते हो। हर जगह डायरेक्शंस लिखे हुए हैं कि फॉर परचेज और रिफंड ऑफ सिंगापुर टूरिस्ट पासेस टिकटिंग सर्विस, यहाँ पे जाओ। ये देखो पूरे सिंगापुर में आपको ये जूस के काउंटर मिलेंगे, जहाँ पे फ्रेश जूस आपको $2 में, सिंगापुर डॉलर में सर्व होता है, यानी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 120 रुपीज़ फ्रेशली बनाती है मशीन। देखो मैं ऑर्डर करके देखता हूँ कैसा होता है।
देखो यहाँ पे मशीन जो है शायद जूस बनाने की प्रक्रिया अब शुरू करेगी। ग्लास हमारा लग गया है यहाँ पे, वहाँ से एक फ्लोर नीचे आते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ, और उसके बाद जूस बन के इस कप के अंदर, और वो ग्लास गया पीछे की ओर, अब देखते हैं आएगा कहाँ से बाहर। अच्छा उसमें सील भी लग गई, वाओ फ्रेश जूस रेडी। और यहाँ से हमारे स्ट्रॉ आना चाहिए वैसे तो, मैंने रील्स एंड वीडियोस में देखा था, आज लाइव ट्राई भी किया, वर्थ इट है यार। सिंगापुर आ रहा हूँ, इस मशीन को जरूर ट्राई करना। टर्मिनल जाने के लिए आपको ये स्काई ट्रेन मिल जाती है जिसकी सर्विस फ्री है। मैंने सिंगापुर में कुछ सामान खरीदा तो आप उसका GST रिफंड करवा सकते हो, अगर आपने किसी मॉल वगैरह से कोई चीज़ खरीदी है तो उसका GST यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। कोर्ट में आपको अपना बोर्डिंग पास वगैरह खुद प्रिंट करना है और लगेज ड्रॉप आप खुद भी कर सकते हो, वरना काउंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पर मोस्टली लोगों को यही सोच किया जाता है कि आप यहाँ से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करो और लगेज ड्रॉप करो। तो आप 62.2 के बैग का वेट 16.2 kg है, और अब मुझे यहाँ पे मेरा पासपोर्ट भी लगाना पड़ेगा। बैग भी अपना यहाँ पे खुद ही जाता है, ज़्यादा हमें भी कुछ नहीं करना पड़ता। रिसिप्ट लेना है अपने को और हमको अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। बैग खुद ब खुद अब यहाँ से चला जाएगा। अपना लगेज ड्रॉप हो चुका है, अब पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा, वरना दिक्कत हो जाएगी। इंडियन रेस्टोरेंट पता किया है तो लेवल 4 पे है, तो चलते हैं लेवल 4 पे और ट्राई करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। वाली थी बस ये 1, 2, 3, 4। अच्छा लेवल 4 पे है बीकानेर वाला। बीकानेर वाले भाई सिंगापुर में भी सही है, अच्छा यार, हम जैसे लोगों के लिए सहारा है, वेज खाना मिल जाएगा हम सब। डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ इंडियन वेजिटेरियन डाइनिंग दिस वे, सीधा। बीकानेर वाला का एम्बियंस आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रेट वगैरह आप देखो कि हर चीज़ आपको अच्छे रेट में मिलेगी। मतलब नूडल्स यहाँ पे आप समझ लो कि हैं 850-900 रुपये की, मसाला डोसा आप समझ लो 600 रुपीज़ के आसपास, तो जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। और चाय है यहाँ पे आपके 300 रुपये की। कुछ तो खाना पड़ेगा, भूख बहुत ज़ोर की लगी अभी, तो मेन्यू में चाट भी थी। चाट का रेट बताऊंगा तो आप लोग इंडिया में चाट खाना छोड़ दोगे यार। समोसा यानी 240 रुपीज़ का, आलू टिक्की यहाँ पे है लगभग 660-700 रुपीज़ की, ऐसा कुछ रेट मिलेगा भाई आपको यहाँ पे। लगभग ये 900 रुपए की अपनी नूडल्स, और ये है फैंटा। अब थोड़ी देर में काम भी करना रेटिंग का, कोशिश रहती है कि हर 3 दिन में आपको एक वीडियो दे पाऊँ। आप टेस्ट देख लेते हैं इसका, आप टेस्ट का ही बोलूँ, वेज मिल रहा वही बड़ी बात है, बट फिर भी बहुत स्पाइसी नहीं है पर टेस्टी तो है। खासकर यहाँ के खाने के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्योर वेज है, जन्नत है। चलिए इसे फिनिश करते हैं, अब सीधा इमिग्रेशन वगैरह करवा के आपसे मिलता हूँ। फाइनली इचंगी एयरपोर्ट का इमिग्रेशन हम लोगों ने ख़त्म किया है। चलिए इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ के इमिग्रेशन की सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री पर अपना SGC कार्ड, वीज़ा वगैरह और सारी टिकट वगैरह पहले से दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट बस स्कैन होता है। यहाँ पे कोई मैनुअल चेकिंग, मैनुअल इमिग्रेशन नहीं होता, कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगता, सीधा आपकी एंट्री होती है भाई। तो यहाँ पे 2 मिनट का काम है बस यहाँ पे, बाकी सिटीज़ की तरह घंटों घंटों वाला टाइम भी नहीं लगता है। चलिए बाकी बर्गर किंग सामने, उसके बगल में है बटरफ्लाई गार्डन, जो मुझे बहुत दिनों से देखना था, वो बिना इमिग्रेशन किए वो पॉसिबल नहीं है, तो अभी वो देखने चलेंगे थोड़ा। बटरफ्लाई गार्डन में तो मैं आ गया हूँ, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी हैं, वो प्यारी प्यारी। ये चीज़ आप मानोगे, ये एयरपोर्ट के अंदर बनाया गया है सिस्टम, छोटा सा एरिया है लेकिन बटरफ्लाइज बहुत सारी हैं, और वो हम इंसानों से बचने के लिए इस वातावरण में है। छोटा सा एरिया है लेकिन सच कहूँगा बहुत ही खूबसूरत इन्हें बनाया गया है, ये देखो आप लोग,
क्या खूबसूरत शहरी है, बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं, बहुत सारी तो उसमें चिपकी हुई हैं जा करके, बैठी हैं मतलब रेस्ट कर रही होंगी अभी, और यहाँ पे उड़ भी रही हैं। अच्छा ये वाली बटरफ्लाई भी यहाँ खूब देखने को मिली है, थोड़ी ब्लैक कलर की है, देखो बोलते ही आ भी गई सामने, थोड़ा करीब से दिखाना, कहाँ गए, नहीं चली भी गई। सिंगापुर की बटरफ्लाई भी है, देखो उसका एक और वर्जन ये आया, बहुत सारे बटरफ्लाईज है यहाँ पर। कुछ ऐसा था यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन, बहुत खूबसूरत था। अब वेट कर रहा हूँ फ्लाइट का, अभी 5:10 हो रहा है, 6:45 यहाँ से जाएगी, कौन से गेट से क्या है सभी डिटेल आपको पता चलेगी थोड़ी देर और। देखिए आप भी मेरे साथ वेट करिए, देखते हैं क्या होगा अभी। क्वांटस देखो यहाँ पर लैंड हुआ है, और यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का भी कोई एयरक्राफ्ट है जो निकलने के लिए तैयार है, A350-900। और उसके जस्ट पीछे सऊदीया का कोई। पूरे नॉन वेज फूड के काउंटर से, क्योंकि आप समझ सकते हो चाइना सिंगापुर इन सब जगह में किस चीज़ का टच है, पूरा फुल नॉन वेज खाना भाई, वेज एकदम मुश्किल है। मैकडी या बर्गर किंग जाओगे तो फ्राइज मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ सीरियसली यही हाल है यहाँ पर, फ्राइज के सिवा आप कुछ खा नहीं सकते हो अगर आप मेरी तरह वेज हो तो, बाकी तो आप कुछ भी खा सकते हो, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। 30 हो रहे हैं, थोड़े समय में बोर्डिंग शुरू होगी। सामने मैंने A380 को देख लिया, मतलब वाइब्स अंदर से आ रही है, जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको देख के ना क्या बताऊँ आपको मैं। देखना चाहोगे एक झलक, देखो एक तो ये महाविशालकाय A380 कैसा लगा आपको? डबल डेकर प्लेन है, एक बार आप करीब से देखो, एक डेक यहाँ पे, एक डेक उसके ऊपर, पता नहीं हम वहाँ जा भी पाएंगे कि नहीं उस डेक को देखने के लिए, लेकिन भाई बाहर से देख करके ही खतरनाक भाई भाई। जब ये फ्यूचर में बंद हो जाएगा ना तब हम सबको इसकी याद आएगी, अभी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, मतलब पैसेंजर कैरी करने वाला, बाकी वह और भी हैं लेकिन पैसेंजर कैरी करने के लिए यही सबसे बड़ा है अभी एग्जिस्टिंग की बात की जाए तो। है कमाल का, लेकिन मैं इसको देख कर ही शॉक हो गया था। सिंगापुर एयरलाइन के पास एक से एक लग्जरी प्लेन, एक से एक।
5 में यहाँ बोर्डिंग शुरू हुई है 6:45 की फ़्लाइट के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इस फ्लाइट के लिए। फर्स्ट यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलती है फर्स्ट क्लास एंड स्वीट्स वालों को, देन बिजनेस क्लास को, देन प्रीमियम इकोनॉमी को। क्या लगता है A380 साइज देखो आप इसका एक बार, दो दो जेट के साथ, ट्विन जंबो जेट के साथ A380 यहाँ पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरक्राफ्ट बोर्डिंग शुरू हो गई है। अंदर चलते हैं, अपना वाला तो ये रहा पर बाजू में एक और आया था तो ये देखने को मिल रहा है अच्छे से। थैंक यू। अगर आप लोग इंटीरियर देखो ना तो शॉक हो जाओगे, मतलब देखो 3 सीट यहाँ पे, 4 सीट बीच में, फिर से 3 सीट वहाँ पे, तो तगड़ा सा इंटीरियर एकदम इसका। और ये केवल यहाँ तक ही नहीं, पूरा डेड एंड तक यही हाल है इसका, पूरा अंदर तक ऐसा ही एयरक्राफ्ट, बहुत लंबा है। यहाँ से सीट शुरू होती हैं और चलते 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 उसके बाद एक और आता है सेक्शन, चलते 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 आपको पीछे जाना है, ये रही अपनी सीट अंदर। अच्छा तो ये रास्ता है जो ऊपर जाता है, A380 में ये वाला हिस्सा है जो अपर जाने के लिए बनाया गया है, और ऊपर भी इसमें क्लासेस हैं। ओह ऊपर लग्जरी क्लासेस है लाइक बिजनेस एंड फर्स्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये वो एरिया है जो लोअर और अपर डेक को कंप्लीट करता है, मतलब दोनों ही को कनेक्ट करता है, क्या पैसेज बनाया इसमें यहाँ से अपर डेक जाने के लिए, लेकिन अपर डेक केवल बिजनेस और स्वीट क्लास के लिए है। तो इंटीरियर तो लाजवाब है, पर कभी उसमें बैठने का मौका मिला तो ज़रूर बैठेंगे, आज इकॉनमी क्लास में है तो आज इसको इंजॉय करेंगे। अगर इस एयरक्राफ्ट के वॉशरूम की बात करूँ तो बहुत साफ़ सुथरा है, मतलब स्पेशियस तो आप नहीं कह सकते हो बाकी प्लेन में हो, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा अच्छा है, मेंटेन किया गया है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देख लो जो हमें आज विंडो मिली है, इससे बाहर देखना तो यार बहुत दिक्कत होने वाला है, आज बाहर आपको नज़ारे कैसे दिखाऊंगा। ये जितना बड़ा एयरक्राफ्ट ऊपर से इसके जो विंग्स है उसमें सब कवर करके रखा हुआ है दोनों तरफ से चाहे देख लो बाकी, लेकिन इसके जो फीचर्स है बहुत तगड़े हैं। यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप ईयरफोन लगा सकते हो जो हमें बाहर मिल चुका है ऑलरेडी। डिस्प्ले के बारे में तो आप जानते हो, मूवीज़ वगैरह आप सब देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे पॉकेट्स बहुत सारे हैं, आप चीज़ें बहुत सारे रख सकते हो, मैंने पावर बैंक आईपैड सब यहाँ रख दिया है, खाने पीने के लिए ये टेबल ये रहा, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, लेग स्पेस बहुत तगड़ा है इसका। मेन चीज़ क्या है पता है, जो लंबी फ्लाइट है इसके लिए लोग ब्लैंकेट एंड पिलो वगैरह सब कुछ देते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफर्ट की कोई भी इशू नहीं होने वाला। साथ में इसका जो नेक रेस्ट होता है ना ये फोल्डेबल होता है, तो इसमें और जो इसका जो कंफर्ट लेवल है ना और बढ़ जाता है। साथ में हमें जो स्पेस मिला है ना पूरा बिजनेस क्लास जैसा वाला फीलिंग दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है हैंडमून वगैरह के लिए। ऐसे नॉर्मली बिजनेस क्लास में मैंने देखा है, इकोनॉमी में इतना स्पेस नहीं देखा। ये देखो एक सीट से इधर के बीच में पूरा इतना गैप है, नॉर्मली क्या होता है एकदम चिपक के यहाँ पे होता है ना, ये जो गैप है ये बहुत काम आ रहा है, स्पेशियस वाली फीलिंग दे रहा है। बाकी ऊपर के फीचर तो आपको पता ही है, एयर कंट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली है। जस्ट एक्साइटेड फॉर द फूड एंड द सर्विसेज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस जानी जाती है अपने सर्विसेज के लिए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक तो एकदम गूज़बम्प्स वाला है, बढ़िया है। अब देखते हैं जब ये टेक ऑफ करेगा तो कितना पावरफुल लगेगा, क्या पावरफुल फील आएगी। म्यूज़िक वगैरह इस वीडियो में मैं कहीं नहीं डालने वाला हूँ, आप रियल चीज़ एंजॉय करो, मज़ा रियल चीज़ नहीं है। थैंक यू मैम। और यहाँ पे देखो हॉट टॉवल दिया गया है, एक्चुअली मैं गर्म है। इसमें बिजनेस क्लास वाली सर्विस आपको इकोनॉमी क्लास में भी देखने को मिलती है, इवन वही चीज़ मील्स में है। अनलिमिटेड जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं ना उनके लिए अल्कोहल भी रहती है, जो लोग मेरे जैसे हैं कोक पीने वाले उनके लिए वो भी अनलिमिटेड है, फ्रूट जूसेस रहते हैं। तो इस जर्नी में मज़ा उस चीज़ का है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया होता है सिंगापुर एयरलाइंस का।
हमारा मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है, 6:45 डिपार्चर टाइम था, तो देखो मूवमेंट शुरू हुआ है यहाँ पे जस्ट। और सिंगापुर एयरलाइन में जो आपको जो गाइड करता है ना एयरक्राफ्ट और बाकी चीज़ों के बारे में, वो यहाँ आपके डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाता है, अलग से गाइड नहीं करता। During these times, charging your electronic devices is also not allowed. फिर इंडोनेशिया की कोई फ्लाइट है और अभी एक और सिंगापुर एयरलाइन का कोई तो एयरक्राफ्ट है, A350 है 777 देखना पड़ेगा। A359 हो गए, उसके पीछे भी सिंगापुर एयरलाइन, मतलब ये है ही सिंगापुर एयरलाइंस के लिए अलग से टर्मिनल T3। यहाँ पे आपको ज़्यादातर सिंगापुर एयरलाइंस ही मिलेंगे। तो अभी हमारा जो रूट होने वाला कुछ ऐसा है, सिंगापुर से बेंगलुरु ना जाते हुए पूरा बीच से जाएंगे, राजमंड्री बेंगलोर के बीच से मुंबई तक। काले बादल यहाँ खाने पीने की सुविधाएं फ्लाइट में शुरू हो चुकी हैं। सर्विंग देख लो आप लोग, हर चीज़ हो रही है यहाँ पे, आप अल्कोहल ले सकते हो जिसको पीना है भाई यहाँ पे, और साथ में फ्रूट ड्रिंक्स भी अवेलेबल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोकोला पेप्सी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ऑरेंज जूस एंड पाइनएप्पल का भी ऑप्शन आपके लिए दिया जाता है, विद आइस विदाउट आइस। पहले सर्विस दिन की नट क्रैकर हुए थे, वो बहुत टेस्टी थे, उसके बाद ऑरेंज जूस ही था।
थैंक यू। तो वेजिटेरियन मील अपनी यहाँ पे ये आई है, इसके साथ देखो कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। डिनर देखो हमें सर्व कर दिया गया है, अभी मुंबई पहुँचने में 3 घंटे हैं, उससे पहले डिनर आया, तो देखते हैं क्या सर्व हुआ। लेकिन ये फ्लाइट में भी हर चीज़ रखने की सुविधा है। वेज में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हर चीज़ रखने की सुविधा मस्त है। साथ यहाँ पे आप देख लो, दही भल्ले हैं, अचार है, यहाँ पे योगर्ट है, यानी आप इसे कर्ड कह सकते हो। पीने का पानी कुछ ऐसे दिया गया है, साथ में चिप्स पापड़, यहाँ पे दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी, एक ग्रेवीदार कुछ बनाई है, और साथ में एक बन दिया है रोटी के तौर पे, और यहाँ पे एक वेट वाइप भी है हाथ साफ करने के लिए, और यहाँ पे बटर और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मिल्क क्रीमर भी है, पाउडर मतलब, आप उसे मिल्क बना सकते हो। और सर्विंग यहाँ पे चल रही है देखो अभी लगातार। चावल और पनीर तो बहुत मस्त है, दाल को भी टेस्ट करेंगे एक बार। चलिए दाल ट्राई कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद दाल ट्राई कर रहा हूँ, मतलब 8 दिन हो गए होंगे सिंगापुर में जब से आऊँ तब से। दाल तो है, साथ में उसमें घी या बटर का भी टेस्ट आ रहा है अलग से, ऊपर से जैसे डाला गया हो। इंडियन टेस्ट बहुत तगड़ा दिया इन्होंने, अब दही भल्ला टेस्ट करेंगे। हाफ आलू टिक्की हाफ दही भल्ला, पर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मान गए गुरु, सिंगापुर एयरलाइन। अब तक मैं एयर इंडिया और विस्तारा के खाने की तारीफ करता था, अब सिंगापुर एयरलाइन ने तो भाई दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फ्लाइट की स्पीड से लेकर सभी चीज़ें आप देख लो, एल्टीट्यूड वगैरह सब दिख जाएगा। हाँ, बट एक यूनिक सी चीज़ सर्व हुई है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ आज, ये भी सर्व हुआ इसमें। देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। सिंगापुर मुंबई का टाइमिंग देख लो, टेम्परेचर देख लो, मुंबई पहुंचने में अभी भी 2 घंटे 55 मिनट लगभग लगेंगे। ऐसे मत बोलो यार, बहुत लेट लग रहा है। फिर 2200 किलोमीटर बचा हुआ मुंबई अभी भी। मुझे लगता है 9:30-10 o'clock तक फ्लाइट पहुँचेगी। अभी मैंने 7000 लगाया स्कूट एयर में ताकि मैं यहाँ के इस फ्लाइट को कर सकूँ, समझ लीजिए 22-23000 में मैं इसका नॉर्मल इकोनॉमी क्लास कर रहा हूँ, वहाँ पे 32000 में मलेशियन एयरलाइन का बिजनेस क्लास आ जाता है पूरा मुंबई तक, इसलिए कह रहा हूँ। सिंगापुर के टाइम के हिसाब से अभी हम लोग चेन्नई एंटर कर रहे हैं, 10:15। इंडियन टाइम के हिसाब से अभी देखिए इसमें लिख के आएगा 7:45 अप्रॉक्स होना चाहिए, चेन्नई में हम लोग एंटर कर रहे हैं। देखो लोकल टाइम एट मुंबई 7:42, सिंगापुर 10:12, और अभी भी 1 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है मुंबई पहुंचने के लिए, मतलब चेन्नई मुंबई 1 घंटे 50 मिनट का सफ़र है, क्योंकि अभी हम लोग ऑन एयर ही हैं, बस चेन्नई के ऊपर आ चुके हैं, इंडिया एंट्री हो चुकी है हमारी। बस 11:35 हो रहा है सिंगापुर के टाइमिंग के हिसाब से, और मुंबई के हिसाब से देखा जाए तो 9:10 हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग अभी लैंड होने वाले हैं थोड़े समय में। अनाउंसमेंट तो हुई है, देखो ब्लैंकेट और जो पिलो दी हुई थी ना, मस्त नींद आ रही थी यहाँ पे। मैं तो मतलब इंडिया एंटर करने के बाद ही सो गया था, चेन्नई से मुंबई सोया हूँ मैं पूरा, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं, स्पेस अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता सोने के लिए भी। अभी भी मेरे को तो क्रू ने उठाया, मैं तो सो रहा था, क्योंकि पूरा दिन समझ लो मैं चल रहा हूँ मलेशिया में। अगर आप देखो ना, तो मैं रात में 3:30 बजे उठा था, फिर 5 बजे के आसपास मैंने कैब पकड़ी, KL सेंट्रल आया, वहाँ से फिर ट्रेन ली KLIA एक्सप्रेस मलेशिया के कुआलालंपुर गया, कुआलालंपुर से सिंगापुर आया, वहाँ 6.5 घंटे टाइम काटा बैठे बैठे, बहुत कुछ किया आज के एक दिन में, 2 कंट्री बदल दी।
हेडसेट और फुटरेस्ट को बंद कर। रूम पर उतरने के लिए तैयार है सब लोग, एक्साइटमेंट तो है। अभी देख लो ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:57 दिखा रहा है, लैंडिंग के बाद पूरा इंडियन टाइमिंग जैसे इसको नेटवर्क मिलेगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 9:37 पे देख लो अपनी लैंडिंग हो रही है बॉम्बे के हिसाब से, और सिंगापुर में भी 12:07 हो रहे हैं। पूरा अंधेरा है अभी फ्लाइट के अंदर। A380 में दोबारा कब बैठने को मिलेगा और कहाँ के लिए बैठने को मिलेगा, और तब तक ये चल भी रहे होंगे कि नहीं, लेकिन हाँ जर्नी कम्फर्टेबल थी, मज़ा बहुत आया। आप अगर देखेंगे तो 6.5 घंटे अगर वहाँ की टाइमिंग देखा जाए सिंगापुर की टाइमिंग से, तो 6.5 घंटे तक का सफ़र था, और एक्चुअली में 5 घंटे में पूरा हुआ। 7 बजे वहाँ से उड़ा था और 12:10 के आसपास यहाँ लैंड हो गया था। 5 घंटे का सफ़र काफ़ी बढ़िया था इसमें। पहले इंडिया करके अलग सा सुकून है। अभी पहला काम करूँगा बाहर जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा यार, अपने टेस्ट बर्ड्स को जिंदा करना है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसका, वर्थ इट था। मतलब जो मैंने एफर्ट किया कुआलालंपुर से सिंगापुर आया, वहाँ पर वेट किया 6-7 घंटे फिर इसको लिया ना, तो वो थोड़ा वर्थ इट लग रहा है कि चलो जिसके लिए किया वो बहुत सही चीज़ थी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आप मेरा देख ही रहो शुरू कर। एक लास्ट दर्शन कर लो सिंगापुर एयरलाइंस के और यहाँ पे अपना एयर इंडिया। चलो बहुत अच्छा लगा जर्नी करके, अब निकलते हैं इमिग्रेशन करवाना। यहाँ पे जो शॉप्स होती है ना इमिग्रेशन के पास, ड्यूटी फ्री होती है, इसमें आपको टैक्स वगैरह नहीं लगता है, तो आप अगर कुछ लेना चाहते हो तो यहीं से ले सकते हो। इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ था, बस एक चीज़ थी कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में चीज़ें फॉलो होती हैं, एक बंदा के एक पीछे एक। जो इंडियन इमिग्रेशन था वो भी काफ़ी स्मूथ सा था, जैसे कि मतलब इसमें टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगा वैसे, पर बाकी कंट्रीज़ में चीज़ें फॉलो होती है ना कि एक के बाद एक बंदा जाता है, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पुलिस होती है। यहाँ पे कोई नहीं था, कोई कहीं से भी जा रहा था, कोई कहीं से भी नंबर लगा था, या इसलिए हो सकता है मेरा जल्दी आ गया नंबर, बाकी लगेज अपने यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे आने तक लगेज भी आ गया यहाँ पे। एक चीज़ तो है, सिंगापुर में 1200 रुपये की नूडल्स खा के 400 रुपये का आधा लीटर पानी पी करके ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि इंडिया में जो एयरपोर्ट में भी जो मिलता है भाई वो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। मतलब वहाँ से कंपेयर किया जाए तो लिटरली चीज़ें इंडिया में इंडिया वाली ही हैं और इंडिया इज़ बेस्ट। चलिए बाहर सौरभ भाई और स्वाति वेट कर रहे हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ फिर वीडियो को एंड करते हैं। एयरपोर्ट से निकल के पहला काम क्या है, यहाँ पे 140 के मिल रहे थे पर वड़ा पाव सस्ते हैं भाई, सिंगापुर में 800 रुपये में खाने को मिलेंगे। वेलकम टू इंडिया, थैंक यू आने के लिए सौरभ भाई एंड स्वाति, वेट कर रहे थे मेरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा इतनी देर से यहाँ पे वेट कर रहे थे। बाकी कभी चलेंगे एक साथ, पर देखते हैं वहाँ में बजट बना के, लोग 1.5-2 लाख का बजट बना के चलेंगे, एक एक जगह का एंट्री 10-10 हज़ार। कैसे लगे बाकी देख करके फोटोज वहाँ के? मेरे फोटो तो बहुत अच्छे, ट्रेन अच्छे। एक चीज़ रियलाइज की मैंने, इतने दिन वहाँ रुको मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए, ना जूते गंदे हुए ना कपड़े, धूल मेरा ही कुछ चेहरा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, वाइट हो रखा है। चलो इतनी खुशी और दुख के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते जल्दी नए जर्नी में नए टूर पे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।